All right, so hello again, Sherbani. We are back. We are back. So last time I think we reached till the word, right? Combination of letters Yes. into meaningful words. And today, Yes. like, what's the plan for today? We'll start with phrase because once you get to a word, then you group those words together for some meaning. A phrase is such a group of words जिसका कुछ मीनिंग होता है, but it does not show any action. For we say a bright light. So it means something. हमको समझ में आता है भाई लाइट है, काफी उसका है, ब्राइटनेस है, बट देर इज नो एक्शन बींग शोन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो सो उसको सॉर्ट हम ऑफ लोग लाइक अ फ्रेज ग्रुप बोलते ऑफ हैं. वर्ड्स जिनका कुछ एक मीनिंग है बट देर इज नो एक्शन, वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, बेसिकली समथिंग लाइक दैट. देर इज ओके नो वर्ब इन इट, कूल दैट कूल इज द होल आइडिया. अ क्लॉज इज अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग एंड इट शोज सम एक्शन, तो या उसमें एक वर्ब होता है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, क्लॉज में वर्ब होता है, बट मीनिंग दोनों में होना चाहिए. तो ओके ऑल योर बेसिक सिंपल सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. आई वेक अप इन द मॉर्निंग इज वन क्लॉज, ओके हाँ क्योंकि भाई उसका एक मीनिंग है, देर इज अ वर्ब एंड सो ऑन. कोहेरेंट मीनिंग इज अ बिट ऑफ अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट, बट किसी भी लैंग्वेज में, विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन. अगर हिंदी में ही आप सोचो, है ना, तो कुर्सी जमीन का कुछ मतलब नहीं होता है, पर सफेद कुर्सी का कुछ मतलब होता है, तो कुर्सी जमीन को कुछ भी नहीं बोलते हैं. बट अगर काली ओके कुर्सी या ब्लैक चेयर इज अ फ्रेज, एंड आई ठीक हैव अ ब्लैक चेयर इज अ क्लॉज एंड इट इज ऑल्सो अ सेंटेंस. है. हैविंग जो वहां पे एक एक्शन आ जाता है. ओके टू हैव. ओके कूल. यस ओके यस हाँ यस अ लॉट ऑफ व्हाट वी विल डू विद ग्रामर विल रिवॉल्व अराउंड दिस होल आइडिया ऑफ एक्शन एंड वर्ब्स, एंड वी विल डू दिस इन ग्रेटर डिटेल एज वी गो फॉरवर्ड. सो एब्सोल्युटली लेट्स या. कीप अ नोट ऑफ दैट. सो बेसिकली सेंटेंस जस्ट टू सम अप, लाइक सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज का बस वो वर्ब का है कि क्लॉज में वर्ब वर्ब नहीं, होगा और फ्रेज में नहीं. ओके कूल. में वर्ब नहीं होगा. अदरवाइज दे आर बोथ जस्ट लाइक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विद इज ग्रुप्स सर्टेन ऑफ मीनिंग. हाँ ठीक है. ओके एवरीथिंग कूल इज अ ग्रुप ठीक वर्ब. है. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग. दिस इज अनदर वन ऑफ दोज ट्रिकी थिंग्स. कंप्लीट मीनिंग इसका क्या मतलब होता है? विच शोज सम एक्शन एंड देर इज एन एक्सप्लिसिट सब्जेक्ट. सेंटेंस में एक जो हम लोग काफी गलती करते हैं नॉर्मली ग्रामर के एंगल से, वो हम लोग ये करते हैं कि उसको कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते हैं और पंक्चुएशन मार्क से खत्म नहीं करते हैं. पंक्चुएशन मार्क क्या है? पंक्चुएशन मार्क इज फुल स्टॉप, इट्स एक्सक्लेमेशन मार्क, इट्स क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमी कलन, दीज आर ऑल्सो पंक्चुएशन मार्क्स, बट वो सेंटेंस के एंड में नहीं रखते हैं. एक बिफोर वी मूव अहेड कुड यू जस्ट क्लैरिफाई ऑल्सो अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या चीज है? सब्जेक्ट का हिंदी में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, वो था करता है जो करता है, राइट. तो सेंटेंस में कोई काम बताया जा रहा है कि ये काम हो रहा जो है, क्रिया है, उस जो वर्ब काम है. करने हाँ वाला है, उस काम को जो करने वाला है दैट इज योर सब्जेक्ट. ओके ओके तो आई ईट में द वर्क बींग डन इज ईटिंग, और कौन कर रहा है? ठीक आई, है सो आई इज द सब्जेक्ट. कूल कूल. तो जैसे क्लॉज और तो सेंटेंस में फिर मेन फर्क क्या है, क्या सब्जेक्ट का? क्लॉज और सेंटेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. क्लॉज में भी एक्शन रहता है, सब्जेक्ट रहता है, बट इट इज पॉसिबल दैट अ क्लॉज डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग. अब वही कंप्लीट मीनिंग पे थोड़ा वो प्रैक्टिस की बात है कि किसको कंप्लीट मीनिंग कहते हैं. अब आप एक सेंटेंस बोल सकते हो, आई वेंट आउट दिस मॉर्निंग बट इट वॉज नॉट रेनिंग देन. मैं सुबह बाहर गया लेकिन उस समय बारिश नहीं हो रही थी. तो नाउ दिस सेंटेंस हैज टू क्लॉजेस. एक है कि मैं सुबह बाहर गया, आई वेंट आउट इन द मॉर्निंग. अगर आप वहां पे एक फुल स्टॉप लगा दो तो आई वेंट आउट इन द मॉर्निंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज ऑल्सो अ फुल क्लॉज. लेकिन जो बाकी है, बट इट वॉजेंट रेनिंग, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी,
दिस इज अ क्लॉज, इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है. अगर आप बोले लेकिन, तो द मोमेंट यू पुट दैट लेकिन, तो देयर शुड बी समथिंग एल्स टू कंप्लीट. हाँ, सो इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है. दिस इज समथिंग दैट वी लर्न बाय प्रैक्टिस. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि ऐसा है. तो बेसिक प्रिंसिपल तो आपने समझा दिया है, ठीक है. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. इन एंड ऑफ इटसेल्फ कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है. सेंटेंसेस आर ऑफ फोर मेन टाइप्स और फाइव डिपेंडिंग ऑन हु इज टीचिंग यू ग्रामर. तो इसमें वी विल स्टार्ट विथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विच आर बेसिकली क्वेश्चंस, विच इज द इजिएस्ट थिंग टू आइडेंटिफाई. क्योंकि अगर एंड में एक क्वेश्चन मार्क है तो दैट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिनिश, राइट. Exclamatory sentences are expressions of emotion. For example, if you say this is fantastic, so jab hum likhte hain this is fantastic, so at the end of it we put an exclamatory mark. Okay, yeah. Jo aapke keyboard mein one ke upar rehta hai, to usse pata chal jata hai ki that sentence is exclamatory. Cool. These two are simple enough, huh? These two are the easy ones. Imperative sentence is something is being said to the listener ki aap kijiye, right. It could be an order, okay, hai na. It could be an order. I could tell you sit down, or I could request you, I could say please sit down, right. These kind of things where the speaker is telling the listener to do something, chahe request ho ya order ho, it's like it's an imperative. In whichever fashion, okay. But बोला जा रहा है कि आप कुछ कीजिए, दैट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस. उसको हम कैसे पहचानेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट, इज यूजुअली दे स्टार्ट विद अ वर्ब. तो उससे पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, ओके, दे स्टार्ट विद कूल, राइट. सो समथिंग एज सिंपल एज लाइक, अगर जैसे लाइक से जस्ट लाइक ईट, is that a sentence in itself? It is, no? क्योंकि उसमें subject implied है, किसी को तो बोल रहा है खाने को, है ना? क्योंकि उसका subject is, subject is you, yeah. और उसको लिखते नहीं है. You eat is not a very common way to speak in English, so you just say eat. ठीक है, ठीक है. पर ये जो है नॉट मेकिंग द सब्जेक्ट एक्सप्लिसिट, ये इंग्लिश में सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंसेस में चलता है. एवरीवेयर एल्स ऑलमोस्ट यू हैव टू मेक द सब्जेक्ट एक्सप्लिसिट. तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस पता चलता है इन द सेंस कि भाई इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है और वर्ब शुरू में ही है इसके. तो हमने अब तीन तरह के सेंटेंसेस देख लिए, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव. बाकी जितने सेंटेंसेस हैं दे आर ऑल असर्टिव सेंटेंसेस. तो जब हम जो शुरू में एकदम इंग्लिश में बोलते हैं माय नेम इज एक्स वाई जेड, ओके, दैट इज एन असर्टिव सेंटेंस. ओके, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कोई चीज है जिसको हम थ्रू वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूजुअली इसके शुरू में सब्जेक्ट रहता है, एंड में फुल स्टॉप रहता है. तो अब कभी अगर आपको क्वेश्चन है कि आप ये कैसा सेंटेंस है बताइए, एंड यू डोंट नो वेदर इट इज एन असर्टिव सेंटेंस और नॉट, तो फिर आप देखिए वेदर इट फॉल्स इनटू एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज. क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, लास्ट में मार्क है कि नहीं. नो, दिस इज हाउ इट वर्क्स विद क्वेश्चंस, है ना. और अगर बाकी तीनों में नहीं पड़ता है तो यू कैन सेफली से कि इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है. अभी असर्टिव के साथ ही एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस. ओके, ओके, कन्वेज द मीनिंग ऑफ नो. तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस है उसका आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, है ना. सो आई एम टॉकिंग टू यू इज एन असर्टिव सेंटेंस, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू इज अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, सिंपल, या फेयर एनफ. कि हम बात कर रहे हैं इज एन असर्टिव सेंटेंस, बात नहीं कर रहे हैं इज द नेगेटिव वर्जन ऑफ इट. बाकी भी जो सेंटेंसेस है स्पेशली क्वेश्चंस को भी आप नेगेटिव बना सकते हैं, और ऑर्डर्स वगैरह को भी आप नेगेटिव बना सकते हैं. सो दैट्स जस्ट सिंपल कि भाई
डोंट टॉक. डोंट टॉक इज अ नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस इन दैट सेंस. कि ऑर्डर भी है बट इट्स एन ऑर्डर टू नॉट डू समथिंग इंस्टेड ऑफ टू डू समथिंग. मैम जी जैसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, द हाउ टू मेक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर वो टाइप्स ऑफ, तो हिंदी भी ऐसा ही होगा और इज इट समवॉट डिफरेंट? हिंदी से दो मेन डिफरेंसेस हैं और वहीं पे हम लोग काफी गलतियां करते हैं. वन ऑफ देम इज कि हम सब्जेक्ट काफी समय नहीं लिखते हैं इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी में हम बोल सकते हैं विदाउट सेंटेंस एंड दैट इज कंसिडर्ड एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ स्पीच इन हिंदी. जैसे कि हम कह सकते हैं जा रहा है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी और आप कह रहे हैं जा रहा है, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो जा रहा है. तो वो नहीं भी लिखेंगे तो भी वो अंडरस्टूड है और उसमें चल जाता है. बट इंग्लिश में आपको ही इज गोइंग बोलना पड़ेगा. इफ यू जस्ट से इज गोइंग तो वो इंग्लिश में गलत हो जाता है. यू हैव टू ऐड द सब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली इन इंग्लिश इन ऑल सेंटेंसेस. वो जो हमने कहा इंपरेटिव में कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको छोड़ के. That is one thing. The other thing is कि हिंदी में जो verb है वो almost always sentence के end में रहता है. okay. जितना भी बड़ा sentence हो जो उसका verb है जो क्रिया है वो एकदम last में रहती है. तो आप कोई भी sentence का example ले सकते हैं, है ना? हम आज यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, right? okay, बात कर रहे हैं, that is verb. But when you translate this into English, we will say we are sitting here talking today. तो आज जो है वो बाद में आ जाएगा, पहले भी आ सकता है. लेकिन जैसे हिंदी में हमेशा verb last में ही आता है, वैसे English में नहीं होता है. ये हमको याद रखना है. English का structure जो है subject verb फिर एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स जब हम घुसाते हैं उसमें तो उसका ऑर्डर बदल जाता है कभी कभी. लेकिन हिंदी में हम कितना भी कुछ भी घुसाए वर्ब इज ऑलवेज एट द एंड. तो ये गलती हम कभी कभी इंग्लिश में कर देते हैं कि हम वर्ब को लास्ट में रखते हैं हमेशा, जो कि करेक्ट नहीं होता है. उसके वजह से भी गलतियां हो जाती हैं. ठीक ठीक ठीक. So yeah, I think that's another like nice short and sweet session, and I'll see you again next time. I think we'll start with what, parts of speech now, or what do you think? We will start with parts. Awesome. Then, theek hai. Yeah, we will start with parts of speech. Sahi hai. Theek hai. I'll see you all again. All right. Then. Bye.